भाग ली। इस वर्ष भी अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग द्वारा अटल टिंकरिंग लैब में अटल टिंकरिंग मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें हमारा प्रोजेक्ट ग्रीन सिल्ट डिजाइन आर्किटेक्ट एंड डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में था, जो टॉप 200 में स्थान बनाने में सफल रहा। मैं प्रकाश मलकर, मेरे दोस्त प्रिंस कश्यप और मेरा दूसरा दोस्त हरीश चौधरी है। हमारे मेंटर डॉक्टर धनंजय पांडे और आशीष राज सर हैं, और शहर सी राजेश कुमार सर और डॉक्टर राघवेंद्र सर हैं। हम सब गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ हायर सेकेंडरी स्कूल प्लातपुर छत्तीसगढ़ के छात्र हैं। हमने ग्रीन सील्ड प्रोजेक्ट तैयार किया है। इस प्रोजेक्ट के द्वारा हमने वेस्ट प्लास्टिक के द्वारा बिना पर्यावरण को हानि पहुंचाए घरों के अंदर ताप नियंत्रण की विधि विकसित करने का प्रयास किया। धरती दिन प्रतिदिन गर्म होते जा रही है। वन कटाव और औद्योगिकरण पर्यावरण को गर्म करने में अपना कार्य कर रहा है। विश्व में आर्थिक हालात के बढ़ते कदम ने इस पर्यावरण समस्या को और भी गंभीर बनाते जा रहे हैं। यहाँ तक कि दूर सीमेंट गारा भी पर्यावरणीय मित्र नहीं कहे जा सकते। गर्म होते पर्यावरण को ठंडा करने के लिए एसी, कूलर और इसी तरह के अन्य इलेक्ट्रिकल गैजेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह ग्लोबल वार्मिंग के खतरे में एक और आहुति देने के समान है। समय की मांग है कि हम अपने घरों को पर्यावरण मित्र बनाने की पहल अति शीघ्र अविलंब करें। एक और खतरे जो कि गंभीर रूप लेते जा रहा है, वह है कि प्लास्टिक की बेतहाशा इस्तेमाल करके कूड़े के रूप में तब्दील हम कर रहे हैं। यह बायोडिग्रेडेबल नहीं है। प्लास्टिक के रिसाइकलिंग पर्याप्त एवं सुरक्षित विधि का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, अतः हम इसे भी समय की मांग को देखते हुए एक सार्थक समाधान का प्रयास करना चाहिए। अतः हमें अपने घरों को एनर्जी एफिशिएंसी के रूप में तब्दील प्लास्टिक का उपयोग कर किया जाना चाहिए। यह दो कदम पर्यावरण को सुरक्षित करने में मील का पत्थर साबित होंगे। आज भवन को एनर्जी एफिशिएंसी बनाने की बात चल रही है। यह कार्य डिजाइन को और भी अधिक सुदृढ़ करके किया जा सकता है, जिससे गर्मी के समय में भवन ठंडे रहे और ठंड के समय में भवन गर्म हो सके। इस सब के चर्चा के बावजूद एसी कूलर का बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है। पहला, एसी यह एक विद्युत गैजेट है। इसका उपयोग घरों को ठंडा करने में किया जाता है। एसी पर्यावरण मित्र नहीं बन पाया है। पर्यावरण में नुकसान ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा किया जाता है। दूसरा, कूलर यह भी विद्युत गैजेट है। इसका उपयोग घर को ठंडा रखने में किया जाता है। विद्युत के अधिक खपत से कालांतर में पर्यावरण के नुकसान के साथ ही खर्चीला भी साबित हो रहा है। तीसरा, फ्रिज यह भी वस्तुओं को ठंडा रखने में मददगार साबित हो रहा है, परंतु यह भी ग्लोबल वार्मिंग में अपनी योगदान देकर अपनी सामर्थ्य सिद्ध कर रहा है। अभी तक प्लास्टिक पुनर्चक्रण का सार्थक उपयोग नहीं किया गया है। समांतर प्लास्टिक को जलाया जाता है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। या इसे मिट्टी में दबा दिया जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता छीन हो जाती है। हम अपने समाधान में इसी वेस्ट प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरण को नुकसान पहुँचा भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक ऊर्जा का सुचालक है और भवन को ठंडा रखने में मदद करता है। इस प्रयोग के विषय को हमने दो भागों में विभक्त किया है। पहला, हमने शहर के सिविल इंजीनियर, बायोमेडिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से मुलाकात की 25 मार्च से 10 अप्रैल के बीच की। उनकी राय एवं टेक्निकल पक्ष को जानने का प्रयास किया, जैसे ललित धुरंधर जी, आशीष राज, श्री राजेश कुमार और सहर्ष सिंह। सभी प्रयोगों को इनके निर्देशन में पूरा किया गया। टेम्परेचर गन का भी इस्तेमाल किया गया। भाग दो, हमने 3D प्रिंटर से 10 छिद्रों, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से एपरेटस का निर्माण किया। प्रत्येक छिद्र में प्रथम में प्लास्टिक और दूसरे में थर्माकोल को रखा और यह विधि अंतिम छिद्र तक चलती रही। वेस्ट प्लास्टिक को और थर्माकोल को कचरे से निकाला गया और 3D प्रिंटर से मैकेनिज्म तैयार किया गया। यंत्र के छिद्रों में
ऊपर वर्णित छिद्रों के अनुसार रखा गया है। सामान्यतः बाहरी दीवार 10 इंच की जो कि यहाँ पर भवन निर्माण में बनाई जाती है, यहाँ पर प्रथम और द्वितीय ईंटों के बीच कोई भी गैप नहीं रखी जाती है। हम इस 10 इंच की दीवार में 4 इंच के ईंट के बाद 2 इंच का लैब में डेवलप मैकेनिज्म को उस रिक्त स्थान में डालते हैं और पुनः 4 इंच के ईंट रख कर दीवार का निर्माण करते हैं। हमने अपने एक्सपेरिमेंट को 3 भागों में विभक्त किया। प्रथम भाग में हमने ईंट को एक तरफ से 120 से ट्री ग्रेड पर गर्म किया, फिर हमने ईंट को दूसरी तरफ से टेम्परेचर गन की सहायता से तापमान को नापा, जिसमें 82 ताप पर था। इससे यह सिद्ध होता है कि अत्यधिक ताप पर भी ईंट की विपरीत सतह भी गर्म होती है। दूसरे प्रयोग में हमने 2 ईंटों के बीच में एक रिक्त स्थान रखा एवं पिछला प्रयोग पुनः दोहराया। इस प्रकार टेम्परेचर गन से मापने पर यह 67 सेंटीग्रेड पाया। ताप का यह अंतर दर्शाता है कि वायु ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं है। तीसरा एक्सपेरिमेंट में हमने 2 ईंटों के बीच में लैब में डेवलप मैकेनिज्म जो प्लास्टिक वेस्ट एवं थर्माकोल के सहयोग से बनाई गई थी उसे प्रयोग में दोहराया। इसे टेम्परेचर गन से मापा गया और यह इसमें 63 सेंटीग्रेड पाया गया। ताप का यह अंतर दर्शाता है कि प्लास्टिक की सतह का प्रयोग करने से हमें दीवार की दूसरी तरफ कम तापमान मिलता है। इसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग हमने अपने प्रोजेक्ट में किया है। इसके बाद हमने इस भवन की आकृति का निर्माण किया। इस भवन की आकृति में 3D प्रिंटर के द्वारा बनाई गई ऑपरेटस में 300 ग्राम वेस्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया। विशेषज्ञों की राय ली, इसका 2 लाभ बताया गया। सर्वप्रथम इस प्रकार से बनाए गए घर को इको फ्रेंडली कहा जा सकता है और इसमें AC कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का इस्तेमाल न के बराबर होता है। दूसरा, इस प्रकार के घरों के निर्माण में प्लास्टिक जो कि जाती थी एक अच्छे कार्य हेतु बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए किया जा सकता। हमने ग्रीन शील्ड अर्थात हरित आवरण की परिकल्पना के द्वारा एक स्थायी निर्माण किया है जहां 1 फीट की दीवार बनाई गई है। यह दीवार 4 इंच के ईंट के बाद 2 इंच की ग्रीन शील्ड और पुनः 4 इंच की दीवार बनाकर प्लास्टर किया गया है। विशेषज्ञों द्वारा दीवार की क्वालिटी की जांच कराई गई। जांच में दीवार की क्वालिटी कहीं भी कमजोर नहीं पाई गई। इस हेतु ग्रुप आई इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया गया है। जांच करने पर इस प्रकार की आकृति को इको फ्रेंडली करार दिया गया। पहले बनाई गई आकृति में बिटा लेवल के डेवलपमेंट हेतु कुछ बदलाव किया गया। पहला, छत को समानता है एल्वेस्टर के द्वारा बनाई जाती है, उसमें बदलाव कर लैब में विकसित ग्रेन शील्ड के द्वारा प्लास्टिक के इस्तेमाल कर न्यू ग्रेन एल्वेस्टर का नामकरण उपयोग किया गया है। साथ ही प्लास्टिक पाइप के द्वारा ऐसे युक्ति का इस्तेमाल किया गया है जिसमें वर्षा का पानी सीधे जमीन में प्रवेश कर जाए। यह स्क्वायर फीट भवन के बगल में गड्ढे का एक वैज्ञानिक विधि के द्वारा बनाया गया है। इससे भूजल स्रोत को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस प्रकार के बनाए गए भवन को टेम्परेचर गन से टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। यह भवन के अंदर का टेम्परेचर बाहर से बहुत ही कम था। मैं HR साथी जल संसाधन विभाग में सिविल इंजीनियर हूँ। बिलासपुर में गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा रहता है। सन 2017 में करीब 49 डिग्री के आसपास पहुंच गया था, इसका जो तापमान था यहाँ का 49 डिग्री तक पहुंच गया था और मजबूरी में हम लोगों को AC फ्रिज एक कूलर का उपयोग करना पड़ता है। अभी तक कोई भी ऐसा बिल्डिंग मटेरियल नहीं बना है जिससे मतलब
तापमान बिल्डिंग का इसका तापमान जो है कम किया जा सके बिल्डिंग का, और इसकी बेहतर इसका इसके लिए जो है प्लास्टिक का उपयोग किया जा सकता है पर्यावरण जिससे मतलब कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कि पर्यावरण का नुकसान ना हो, बाकी इससे मतलब तापमान नियंत्रित कर सके और गरीबों को इससे राहत मिल सके। इस प्रकार बनाए गए भवन को टेम्परेचर गन से टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, साथ ही साथ भवन के अंदर और बाहर का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। बाहर का तापमान 27 सेंटीग्रेड और अंदर का 24 सेंटीग्रेड था। इसी प्रकार समय रूप से बनाए गए भवन का भी टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, बाहर 30 सेंटीग्रेड था और अंदर 29। दोनों के सार्थकता में तुलना करने पर यह पाया गया कि ग्रीन शील्ड के द्वारा बनाई गई आकृति में तापमान हमारे लिए लाभप्रद है। इस भवन के निर्माण हेतु हमने सिविल इंजीनियर बांगो डैम की राय, हमने विभिन्न कॉन्ट्रैक्टर सिविल इंजीनियर से राय, 15 कॉन्ट्रैक्टर एवं 15 इंजीनियर से हमने राय ली। इन राय को ग्रुप ऑफ इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड के समक्ष रखा गया। सभी इस सर्वे के आउटलाइन पर सहमति दर्शाते हुए अभूतपूर्व आइडिया बताया। जिन कॉन्ट्रैक्टर से संपर्क किया गया उसमें मुख्यतः सोनल शुक्ला, देवास अश्विनी, शांतनु मुखर्जी और हनी सिंह थे। वहीं इंजीनियर जिनसे राय ली गई उनमें मुख्य रूप से शहर सिंह, राजेश राठौर, एस किशोर कुमार, श्री ललित वृंदर और श्री प्रशांत बघेल जी थे। हमने बिलासपुर के रहवासियों से कुछ क्वेश्चन किया। पहला ये कि क्या बिलासपुर में दिनों दिन गर्मी बढ़ती जा रही है? तो कुल 30 व्यक्तियों जिसमें इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर शामिल थे, सभी व्यक्तियों ने बिलासपुर में गर्मी बढ़ती जा रही है ऐसा कहा, और कुछ लोगों ने तो न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाया जिसमें 2017 में 49.5 सेंटीग्रेड था, जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गर्म स्थान बिलासपुर भी था। हमने दूसरा सवाल पूछा जो कुछ इस प्रकार था, क्या आप अभी भी अपने अपने घरों में प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, जैसे प्लास्टिक की पॉलीथीन या प्लास्टिक के अन्य सामग्री? तो कुल 30 व्यक्तियों के समूह में 24 ने हाँ में आंसर दिया और 6 ने नहीं में उत्तर दिया। प्रश्न तीसरा, क्या प्लास्टिक का फायदेमंद इस्तेमाल एवं बिना इलेक्ट्रिकल गैजेट का इस्तेमाल करने की विधि आप जानते हैं? उत्तर, 23 में से 26 व्यक्तियों ने न कहा, 2 व्यक्तियों ने डेनमार्क एवं नीदरलैंड का उदाहरण दिया और कहा संभवतः हाँ, और 2 ने कहा नहीं सकते। चौथा क्वेश्चन ये था कि क्या आप ग्रीन शील्ड से इस्तेमाल से आप फायदेमंद रहेंगे? इस पर सभी ने अपनी सहमति जताई। इस प्रश्न के द्वारा यह जानने का प्रयास किया गया कि ग्रीन शील्ड का उपयोग आप अपने भवनों में करेंगे। 25 व्यक्तियों ने हाँ में उत्तर दिया, 5 व्यक्ति ने ना कहा और 2 व्यक्तियों ने कहा कि कह नहीं सकते। इस सर्वे के परिणाम से हम बहुत उत्साहित हुए और अपने कार्य को और अधिक अच्छे से तरीके से करने के लिए प्रोत्साहित हुए। ग्रीन शील्ड का आदर्श वाक्य है प्लास्टिक के द्वारा तापमान पर नियंत्रण। हम अपने प्रोजेक्ट को लेकर 3 प्रकार से पहल करेंगे। पहला, टेक्निकल व्यक्तियों से मिलकर ग्रीन शील्ड की खूबियों के बारे में बताकर उनका विश्वास किया जाएगा। दूसरा, सामान्य व्यक्तियों को वीडियो के द्वारा ग्रीन शील्ड की प्रभावी भूमिका के बारे में बताकर उनसे इस्तेमाल करने के लिए अनुरोध करेंगे। तीसरा, शासकीय अधिकारियों के जैसे रेलवे अधिकारियों से संपर्क कर इसे शासकीय कार्यों में जहाँ निर्माण किया जा रहा है अनिवार्य रूप से लागू करने का अनुरोध किया जाएगा, क्योंकि शासकीय कार्यों में इलेक्ट्रिकल गैजेट का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। ग्रीन शील्ड का इस्तेमाल करके 50-75% तक की बिजली जैसी बचाई जा सकती है, इससे बहुत आर्थिक रूप से पैसे की बचत होगी। इस विधि से भवन निर्माण में प्रति 100 रुपये में 8.25 की वृद्धि होगी, जो कि ग्रीन शील्ड बनाने की ही लागत है। प्लास्टिक की उपलब्धता हेतु 5 रुपये की खर्च आना संभावित है, अतः 100 रुपये की लागत पर 15 रुपये और अधिक लागत आएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक गैजेट्स का उपयोग 50-75 रुपये तक की कमी आएगी, जिससे प्रत्येक गृह स्वामी को आर्थिक लाभ होगा। साथ ही साथ यह भवन इको फ्रेंडली भी होगा एवं प्लास्टिक कचरे का विधि सम्मिलित इस्तेमाल होगा।
₹100 पर ₹15 की वृद्धि कालांतर में देखा जाए तो यह कम वृद्धि होगी और जो इलेक्ट्रिक गैजेट का क्रय में कमी आएगी उसके तुलना ₹15 की वृद्धि होगा, यह भूकंप रोधी के रूप में भी कार्य करेगा। हम सभी ने इस प्रोजेक्ट में सभी ने बराबर मेहनत की है, गैर नाम का लाभ मिलता है और इस प्रोजेक्ट में स्पेशली मैं डिज़ाइन और बिल्डिंग डेवलपमेंट और सर्वे का काम किया। मेरा नाम हरीश चौधरी है, मेरा दायित्व तो यह था कि मैं सारे एक्सपेरिमेंट्स को मेंटर्स के सामने परफॉर्म करूँ और एक्सपेरिमेंट्स को रिकॉर्ड करूँ। मेरा नाम प्रिंस काशिफ है और मैंने इस प्रोजेक्ट में हार्डवेयर काम दिखा जिसमें मैंने 3D प्रिंटर से ऑपरेटर्स निकाला और उसमें प्लास्टिक भरने काम किया और साथ ही साथ मैंने इंटरव्यू भी लिया। सर, आप हमारे लैब में अटल टिंकरिंग लैब योजना के अंतर्गत ग्रीन शील्ड प्रोजेक्ट का अवलोकन किए हैं, आप क्या महसूस करते हैं? नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे, हारंग जल संसाधन संभाग में सिविल इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं बिलासपुर में स्थित आपके शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अटल टिंकरिंग लैब में जो आपकी जो परियोजना चल रही है ग्रीन शील्ड परियोजना, उसका अवलोकन किया। इस परियोजना में जो 3D प्रिंटर से विकसित किया गया जो प्रिंटर है उसमें जो प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि प्लास्टिक के जो एनवायरनमेंट नुकसान पहुँचता है उसके रीयूज़ के लिए ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इसमें आप लोगों के विद्यार्थियों के द्वारा जो प्लास्टिक का उपयोग किया गया है इसमें मध्यम वर्ग के, इसमें चूँकि बिलासपुर का तापक्रम 45 डिग्री से बहुत ऊपर ही जाता है तो उसको टेम्परेचर को नियंत्रित करने में यह बहुत कारगर सिद्ध होगा। चूँकि मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कूलर एसी की सुविधा कम रहती है, अतः मैं ऐसा मानता हूँ कि आपकी यह परियोजना मध्यम वर्ग के लोगों के लिए और प्लास्टिक को रीयूज करने में बहुत कारगर सिद्ध होगी। वीडियो को देखने हेतु आपने अपना सब कीमती समय दिया, इस हेतु आपको आपका आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही आप सभी को इको फ्रेंडली भवन हेतु बधाई भी देते हैं। आप सभी को धन्यवाद।